فبأي آلاء ربكما تكذبان. एक ऊंट और एक बैल और एक दुम्बा कहीं सफर करते हुए जा रहे थे. ऊंट, बैल और दुम्बा. भूख लगी, तीनों को घास की एक गठरी नजर आई. अब गठरी एक है, खाने वाले तीन. अब तीनों में फड्डा हो गया, कौन खाएगा है भाई. तो तीनों ने कहा कि भाई एक हम में जो सबसे पहले दुनिया में आया है ना, जो पुराना होना साबित कर दे, वो ये गठरी खाएगा, क्योंकि वो बुजुर्ग है. ये हमसे यानी सब बुजुर्गों का एहतराम होता है ना, तो जो सबसे पहले दुनिया में जो नस्ल आई है वो खाएगा. दुम्बे ने कहा लो भाई मैं हकदार हूं. क्यों भाई तुम क्यों हकदार हो? उसने कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब बेटा ज़बह किया था वो नहीं हुआ तो अल्लाह ने जन्नत से क्या भेजा था? सबने कहा दुम्बा. इसका मतलब मैं उतना पुराना हूँ. वैसे हकीकत कोई इसका पता नहीं है दुम्बा था वो क्या था, लेकिन चलो एक फर्जी वाकया है. तो उसने कहा इसका मतलब मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में भी था. ऊँट की आँखें चकरा गईं. बैल ने कहा कि जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए थे तो खेती बाड़ी तो की होगी ना, कुछ प्याज व्याज गंदम उगाया होगा, तो क्या ट्रैक्टर ईजाद हो गए थे? उन्होंने कहा नहीं. कह रहे फिर किससे खेती बाड़ी करते थे? उन्होंने कहा बैल से. बैल ने कहा मैं तुझसे भी पुराना हूं. अब ऊंट का दिमाग क्या हो गया? चकरा गया. ऊंट ने बोला कि यार उससे पहले की तारीख तो लिखी नहीं गई है, आदम अलैहिस्सलाम से पहले की, मैं तो फंस गया. तो ऊंट ने वो गठरी उठा के अपनी गर्दन पर रखी. इन दोनों ने बोला कि पुराना होना साबित करो. उसने कहा मैं सबसे बाद में आया हूं, मैं पुराना नहीं हूं. उन्होंने कहा फिर गठरी हमें दो. उन्होंने कहा हिम्मत है तो ले लो. ये सिस्टम मार्केट में कौन सा चल रहा है? मार्केट में जो सिस्टम चल रहा है ना वो ये स्टाइल ऊंट वाला चल रहा है. निकाल सकता है तो पैसे निकाल ले भाई. भाई इसने जमानत ली थी, तुमने जमानत ली थी, हाँ ली थी. जब आप पूरी कोशिशें नाकाम हो जाएंगे तो बोलेंगे निकाल लो. क्या कर सकते हो भाई आप उसका? कुछ भी नहीं कर सकते. आप पुलिस में जाओगे, उसने पहले से पुलिस में आपके खिलाफ FIR कटवाई भी होगी.